सर हेलो सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्लास एमए ओनली एमएससी त्रिवेश ज्योग्राफी इसका पेपर फर्स्ट है। भौगोलिक चिंतन का इतिहास यूनिट है सेकंड। यूनिट सेकंड का टॉपिक है स्थानिक संगठन। टॉपिक में से प्रश्न बन के आया है भूगोल स्थानिक संगठन एवं स्थानिक विश्लेषण का विज्ञान इस कथन की व्याख्या की पूछनी थी। परीक्षा के अंदर आपके 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इसका एक बार टिप्पणी के रूप में भी पूछा गया है स्थानिक संगठन एवं विश्लेषण इसी प्रश्न को दो बार। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का अध्ययन करते हैं। नंबर फर्स्ट देखो स्थानिक संगठन के बाद नंबर फाइव है वो है स्थानिक संगठन। अब देखो स्थानिक संगठन होता क्या चीज है यानी स्पेंडर ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की व्यवस्था को क्षेत्र संगठन या स्थानिक संगठन कहा जाता है। यानी पर्टिकुलर प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन किसी क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है तथा वहां पर पाए जाने वाले मानवीय संसाधन इन दोनों को क्या करना है अनुकूलतम उपयोग की व्यवस्था क्या कहलाती है वहां का स्थानिक संगठन। यानी एक संगठन के अंदर बंधे हुए जितने भी चीजें हैं उनका व्यवस्थित रूप वही क्या है स्थानिक संगठन है। ठीक है अब देखो पर्यावरण में उस तत्व के वो संसाधन कहते हैं जो मानव की किसी भी रूप में मानव के लिए उपयोगी है। यानी संसाधन जो मानव के लिए उपयोग की गई कोई भी वस्तु जो उसके लिए प्रयोजनीय है क्या कहलाएगी उपयोगनीय है संसाधन कहलाएगी। अर्थात जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो संसाधनों को प्राकृतिक और मानवीय दो श्रेणियों में वर्गीकृत यानी बांटा जा सकता है प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व जैसे। नंबर फाइव बात करते हैं वो है प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व। नंबर फाइव ये हो गया कि प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व है जैसे स्थल रूप इसमें कौन कौन से आते हैं प्रकृति से निर्मित स्थल रूप तथा सेल खनिज नदी झील सागर जीव जंतु प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधनों के अंदर ये तो था प्राकृतिक सेकंड है अगर मानवीय बात करते हैं मानवीय संसाधन मानवीय संसाधनों में क्या हो गया पर्टिकुलर मानव है मानव की जनसंख्या कृषि उपज ठीक है इसके आधार में है पालतू पशु बागवानी खेत गृह सड़क तथा ग्राम औद्योग आदि मुख्य रूप से किसी भी तत्व की मनुष्य के लिए उपयोगिता मानव ज्ञान और तकनीकी विकास पर निर्भर करती है। इन सभी जो प्राकृतिक और मानवीय तत्व हैं इनका उपयोग मानव अपनी अपनी किसके अनुसार करेगा कौशल व तकनीकी ज्ञान या उपयोगिता के आधार पर अपने अपने तत्वों का अध्ययन या उनका उपयोग लेगा। अतः मानव ज्ञान को संसाधन का मुख्य आधार माना जाता है। किसी प्रदेश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस प्रकार से किए जाने पर बल दिया जाता है कि उनकी उपस्थिति भविष्य में बनी रहे और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो।
यानी संसाधनों की अगर उपयोगिता की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे है कि पर्टिकुलर आगे तक यानी लंबे समय तक अपने को संसाधन प्राप्त होते रहे तथा ये पर्यावरण को संरक्षित भी रहे। ऐसे नहीं कि मानव अपनी तकनीकी जैसे वर्तमान के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अन्य क्षेत्रों में पर्टिकुलर प्रभाव, तो ये तापमान यानी उसको पर्यावरण को संरक्षित रखने चाहिए, ना कि उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब आगे देखो, इसको मैं मिटा दूं। देखो, अमेरिकी भूगोलवेत्ता समिति के प्रतिवेदन 1970 अमेरिकी भूगोलवेत्ता समिति के प्रतिवेदन 1970 के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल पर प्रतिरूप और प्रक्रम के आधार पर स्थानीय संगठन का अध्ययन करना है। यानी इस प्रतिवेदन के अनुसार परिभाषा कि पृथ्वी तल पर प्रतिरूप और परक्रम के आधार पर स्थानीय संगठन का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत चार पक्षों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। कितने पक्षों को? चार पक्षों। चार पक्ष कौन कौन से हैं? देखो, नंबर फर्स्ट है क्षेत्रों का समाकलित अध्ययन। नंबर फर्स्ट हो गया क्षेत्रों का समाकलित अध्ययन, दूसरा हो गया सेकंड है कालिक परिवर्तन, कालिक परिवर्तन, थर्ड है सांस्कृतिक बौद्ध, अगला फोर्थ है पर्यावरण की पारिस्थिति की व्याख्या, पर्यावरण की पारिस्थिति की व्याख्या, तो ये चार प्रतिवेदन के चार पक्षों का अध्ययन हो गया। पहला है क्षेत्रों का समाकलित अध्ययन यानी पर्टिकुलर क्षेत्र का पूर्ण रूप से अध्ययन हो। दूसरा है कालिक परिवर्तन यानी समय के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन यानी जो जो परिवर्तन यहां समय के अनुसार उसका कालिक परिवर्तन का अध्ययन इस पक्ष में किया जाता है। अगला है सांस्कृतिक बोध, वहां पे सांस्कृतिक बोध यानी सांस्कृतिक तथ्य कौन कौन से है जो मानव निर्मित पर्टिकुलर है क्षेत्रीय में। ठीक है, अगला है पर्यावरण की पारिस्थिति की व्याख्या यानी पर्यावरण की जो पारिस्थिति की है उसके अंदर जो इकोलॉजिकल कल्चरल है उसके बारे में अध्ययन करना। तो ये मुख्य रूप से चार पक्ष हो गए। अब मुख्य बात करते हैं भूगोल वेत्ता का उद्देश्य विभिन्न स्थानों या प्रदेश के समाकलन या एकीकरण को प्रकट करना होता है। पृथ्वी तल पर सामान्यतः कोई भी स्थान या क्षेत्र पूर्णतया आत्मनिर्भर क्षेत्रीय इकाई नहीं होता है, बल्कि वह अपने समीपी स्थानों या क्षेत्रों से विभिन्न रूपों में संयुक्त तथा संबंधित होता है। इस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं। यानी तथ्य क्या करते हैं? एक दूसरे पर को प्रभावित करते हैं या आपस में संबंधित जुड़े हुए रहते हैं। अतः किसी क्षेत्र या प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन में स्थानों के समाकलन पर विचार किया जाता है और प्रादेशिक या क्षेत्र संगठन के लिए योजनाएं तैयार की जाती है। अब यह तो था किसी क्षेत्र का पर्टिकुलर है, स्थानीय संगठन की बात करते थे, अब है देखो स्थानीय विश्लेषण। ठीक है,
सेकंड है अपना स्थानिक विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण। इसके अंदर देखो स्पेक्ट्रल एनालिसिस स्थान निर्धारणीय है। विश्लेषण में जब मात्रात्मक तकनीक का प्रयोग कर निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं वह प्रक्रिया स्थानिक विश्लेषण कही जाती है। यानी मात्रात्मक तकनीक का उपयोग मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग है प्रयोग कर निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं वह प्रक्रिया स्थानिक विश्लेषण हो गया। यानी विश्लेषण का मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अपन निष्कर्ष पर जाए और निष्कर्ष किस प्रकार के हो मात्रात्मक तकनीक यानी अंक संख्यावाचक संख्या यानी स्टैटिकल वाले हो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी स्थानिक विश्लेषण। अब देखो इसके अंदर जो आरटीबिन है अनारबिन अनारबन अनारबन जो वैज्ञानिक थे 1981 में अनबिन वैज्ञानिक है ये दोबारा से अनबिन के अनुसार 1981 स्थानीय विश्लेषण में बिंदुओं या स्थानों उन्हें जोड़ने वाली रेखाओं मार्गों क्षेत्रों और मानचित्र तल दूरियों के अध्ययन को सम्मिलित करता है। इसमें अनुसार कोई भी जैसे परिवहन मार्ग है मार्गों या दूरियों मार्गों व दूरियों के अध्ययन को सम्मिलित करता है। स्थानिक विज्ञान के अनुयायी मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञानों का घटक मानते हैं। वे मानव भूगोल का योग स्थान के विचलन अथवा परिवर्तनीय गुण के निर्धारण पर केंद्रित मानते हैं। स्थान सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित बनाने वाला कारक है। इसी कारण को मात्रात्मक क्रांति के काल में लोकप्रिय बना मुश्किल कारक है। यह प्रत्यक्षवाद के दार्शनिक विचार से संबंधित बना हुआ कारक माना जाता है। स्थानिक विश्लेषण खोजकर्ता को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में सहायक है। यानी जो भी खोजकर्ता है वो स्थानिक विश्लेषण क्या करेगा उसमें सहायता करता है रिजल्ट निकालने के अंदर या कोई पर्टिकुलर क्षेत्र का निष्कर्ष निकालने में वहां पे ये सहायता करता है क्योंकि इसमें यूज किसका ले रहे हैं पर मात्रात्मक क्रांति का। यह निष्क्रिय से पूर्ण सही समय अनुमानों तक पहुंचाने व प्रत्यक्ष बोध कराने में योग देता है। यह स्थानिक वितरण स्थानिक संरचना व संगठन और स्थानिक संबंधों की मात्रात्मक विवरण द्वारा स्पष्ट भी करता है मुख्य रूप से। अब हम कह सकते हैं तीन आधारभूत स्थानिक संकल्पनाओं द्वारा स्थानिक विश्लेषण समय अनुमानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया ये सोपान है। अब देखो कौन कौन से सोपान है पर्टिकुलर सोपान है इसमें पहला है दिशा, सेकंड है वो है दूरी और थर्ड है सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति यानी यहां पे हो गया दिशा दूरी तथा यहां की सापेक्ष स्थिति। यानी सापेक्ष स्थिति कौन सी जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है यानी वो कंटिन्यू यहां पर आपस में जुड़ा हुआ है। अब है स्थानिक विश्लेषण में कुछ भूगोल बिंदु केवल सामान्य रेखीय मॉडल का प्रयोग कर निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कुछ भूगोल के अंदर है जो सरल मॉडल है
पुराने मॉडल है, अत्याधुनिक तकनीक नहीं है, उनका वर्णन करके क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष ने अनुकूलित, परंतु कुछ विद्वान स्थानिक आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधि का उपयोग करते हैं, यानी इनको बोलते हैं अपन स्टेटिकली, यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, मानव और वातावरण के संबंधों को स्थानिक विश्लेषण द्वारा समझना तो स्थान विषयक नियतिवादिता, लेकिन यह उपयुक्त नहीं है और असंभव भी है, क्योंकि किसी संदर्भ में रहित बनकर, किसी संदर्भ से रहित बनकर स्थानिक विचलनों की व्याख्या निर्मूल होगी, यानी अर्थविहीन होगी। अब हम इसी अध्ययन के आगे अगर एक और से बात और करें, तो इस विश्लेषण की एक अन्य कमजोरी यह भी है, यानी जिसको बात बोलते हैं आलोचना। अब वो आलोचना कौन सी है, यह आलोचना है कि यह न तो सांस्कृतिक व न धार्मिक मूल्यों की ओर न ही नीतिगत प्रश्नों को ध्यान में रखने की प्रक्रिया है, यानी यह न तो मुख्य रूप से धार्मिक सांस्कृतिक प्रकृति की ओर, ना बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बिल्कुल से, तथा यह न नीतिगत जो प्रश्न है उनके ऊपर भी निर्धारित नहीं है। इससे मानव और वातावरण के मध्य संबंध और अस्वाभाविक धारा पर टिके रह जाते हैं। अगला है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी तो ऐसे विश्लेषण को पूंजीवादी सोच कहते हैं। मार्क्सवादी क्या कहते हैं इसके बारे में, पूंजीवादी सोच मानते हैं। और पूंजीवादी जो सोच होती है, जो श्रमिकों के शोषण का साधन है, मुख्य रूप से श्रमिकों के शोषण का साधन है, क्योंकि मानव भावनाओं को मात्रात्मक फॉर्मूले से व्यक्त नहीं किया जाता, जितनी भी मानव की भावनाएं हैं उनको मात्रात्मक तरीकों से नहीं मापा जा सकता, उनको अनुभव किया जा सकता है या उनको केवल अनुभव के आधार में समझा जा सकता है। तो ये पूंजीपतिवादियों की सोच मानी है। मार्क्सवादियों ने कहा कि ये पूंजीपति है, वो तकनीकों का उपयोग कर लेते हैं और इसके आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करके ज्ञान लगा लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी है जिनको अनुभव किया जा सकता है, यानी महसूस किया जा सकता है उनको, वो केवल इसके अंदर विश्लेषण के अंदर नहीं आते। तो ठीक है, ये था भूगोल में स्थानिक संगठन एवं स्थानिक विश्लेषण का विज्ञान है, इसकी व्याख्या थी मुख्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।